हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगी। तो ये है योगेश भैया की वाइफ और आज हम जा रहे हैं पथवारे में इनके साथ में। तो चलिए चलते हैं और हमें करना है वहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम भी। ठीक नहीं है? और माँ जा चुकी है, अभी हम लोग जाएंगे। देखो कड़े मेरे तक गग गई। कहाँ पत्थर ये इसके बराबर में थोड़ा सा खड़ा इसके बराबर में क्या सा ये पत्थर आपके चल गेयर कहाँ गिर रही देख चारों तरफ हरियाली ही हरियाली इतना अच्छा नजारा है ये देखिए पथवारे में आ चुके हैं हम दोनों मोनिका ने गोबर डाल दिया पथवारे में तो हम लोग आ चुके हैं माँ हर के पास में जहाँ पर माँ ने रखा है बिटोड़ा। तो देखिए ये है हमारा पथवारा जहाँ पर माँ बिटोड़े रखती है, एक बिटोड़ा ही रखते हैं। और देखिए अभी गुस्से भी लगा रही है। और यहाँ पर माँ को ये छठी लाइन पूरी करनी थी या अधूरी रह गई थी। तो ये देखिए एक लेयर और लगानी है अभी गुस्सों की, उसके बाद होगा ये थापना शुरू। तीन चार आदमी लगे हैं, जल्दी काम हो जाएगा। दोनों ही रो रहे थे यार, मम्मी जाली क्योंकि ये काम एक आदमी के बस का नहीं है। ये बिटोड़े का जो है बेस रखा जा रहा है और बिटोड़े के बेस में है एक दो तीन चार पाँच छह बलाई रखी गई है। इस पर गोबर थापा जाएगा, ऊपर गोबर हो रहा है इकट्ठा, उधर हो रहा है और कुछ पकड़ाओगे कुछ लगाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो देखिए ये इतने सारे गोबर के हम लोगों को बनाने हैं उपले। और मोनिका तो जल्दी चले जाएगी क्योंकि वो तो पथवारे में गोबर डालने के लिए ही आई थी। मैं तो उसको लेकर आई थी कि चल अपना गोबर भी उठा ले। और यहाँ पर चाचा जी उन्हें दे रहे हैं और चाचा जी की भी आज मतलब छोल की छुट्टी थी तो आज उन्होंने सोचा कि ये काम भी कंप्लीट करा दिया जाए क्योंकि माँ हम लोग तो इसे कर नहीं सकते, हमें इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है, धीरे धीरे सीख लेंगे जैसे हमने उपले बनाने सीखे हैं। तो यहाँ पर मैं और मोनिका इस तरीके से बना कर रख देंगे और फिर इसे फटाफट से मतलब कि इसे बिटोड़े को थेना शुरू करेंगे तो ये फिर कम पड़ जाते हैं तो इसलिए पहले ही इन्हें बना कर रखने पड़ते हैं। और थोड़े से बनवाएगी मोनिका और फिर ये चली जाएगी घर और फिर ये मैं पूरा गोबर मैं और माँ को ही यहाँ पर थे कर भी और बना कर भी कम्प्लीट करना है और चाचा जी इसे पकड़ाएंगे। तो ये एक लाइन रह रही थी, थोड़ी सी रह गई है लगाए बिना, तो फिर माँ इसे थेना शुरू कर देगी ये लाइन पूरी करके और छह लाइन पर ही इसे थेना शुरू किया है इन्होंने और चाचा जी पकड़ा देंगे तो इससे काम जल्दी हो जाएगा। और देखिए बराबर में ही जहाँ पर हम ये गोबर के उपले बना रहे हैं वहाँ पर बराबर में एक तालाब है, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर तो जोड़ बोलते हैं और इसमें पूरे में घास ही घास और शोक समंदर फैला हुआ है, दलदल हुई मतलब पूरे में दलदल हो रही है और उधर रोड भी है जो हमारे गांव में जाता है। और ये पथवारा हमारा गाँव से बाहर है, जैसे गाँव में घुसते हैं तो उस साइड में है।
बराबर साइड में खेत ही खेत हैं, गेहूं के बड़े बड़े खेत, सरसों के, तो एक अमरूद का पेड़ भी है यहाँ पर, जहाँ पर हम गोबर को के उपले बना रहे हैं। और यहाँ की ज़मीन जो है ऊंची नीची है, जहाँ पर माँ ने ये बिटोड़ा रखा है वहाँ पर इन्होंने रापिस डाली है, कई सारे रेड़े, कई दिन तक रापिस डाली, तब जाकर यहाँ की ज़मीन को इन्होंने एक सार किया है। तो इस तरीके से इसे बिटोड़े को जो है पूरे को चारों तरफ से इस तरह से गोबर लगा कर थे लेंगे इसे। देखिए हाथों से इस तरह, मतलब दोनों हाथ की मुक्की जैसे आटा गूंथते हैं, इस तरह से बनाकर ही इसमें इसे गोबर को चिपकाया जाता है। और ये उपले जो हैं इससे गिरते नहीं हैं, गोबर के लगाने से ये सारे के सारे इसमें चिपक जाते हैं अच्छे से। और ये इसकी एक बाहर की परत अच्छी सी बन जाती है, मोटी सी, इसे अंदर पानी भी नहीं जाता। जब ये सूख जाएगी तो मतलब सीमेंट की तरह हो जाती है, बिल्कुल जैसे सीमेंट सेट हो जाता है, तो इसकी वजह से अंदर पानी भी नहीं जाता है। और अभी इसके ऊपर फूस वूस रख देते हैं और पत्ती वगैरह से बांध देते हैं इसे, वो भी दिखाएंगे आपको आने वाले टाइम में जब इसका बांधने का टाइम आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए, और ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके। और मेरे बराबर में जो करवा रखा हुआ है हमने, उसमें बराबर साइड से एक खाल चल रहा था तो उसमें से पानी भर कर रख लिया था, क्योंकि ये जो है गोबर 4-5 दिन का इकट्ठा किया हुआ है तो वो थोड़ा सूख से जाता है, तो इसमें बार बार हम लोग पानी डाल लेते हैं जैसे ही नीचे से सूखा सूखा सा निकलता है। तो इस तरह से इसको मिक्सचर, मतलब मिक्स कर लेते हैं जो इसमें कुट्टी वगैरह पड़ी हुई है, तो इस तरीके से बना बना कर हमें ये रखने हैं। और मोनिका घर चली गई है थोड़े से बनवाकर ये उपले, क्योंकि उसका घर का काम जो है कितना सारा पड़ा हुआ था, बच्चों बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए थे, तो इसलिए वो चली गई है। तो अब मैं अकेली यहाँ पर बना रही हूँ। और धूप भी अच्छी खासी है और हम लोग बात भी कर रहे थे यहाँ पर, और बार बार मुझे हंसी भी आ रही थी, माँ भी कुछ कह रही थी। और आधा ये थे चुका है, मतलब आधा हमने थे लिया है ये, क्योंकि कितने सारे हमने पहले से ही बनाकर जमा कर दिए थे। और देखिए जल्दी जल्दी में चाचा जी ने मतलब सारे पकड़ा दिए हैं, और ये आधा बिटोड़ा जो है कंप्लीट हो चुका है, आधा रह गया है। और अभी मतलब माँ सोच रही थी कि ज़्यादा देर हो गई उन्हें खड़े खड़े लगाते हैं तो इसे, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर बैठकर, ताकि तब तक मैं बैठेंगी तो थोड़े से उपले बनवाकर इकट्ठे करवा देंगी। और नीचे से ज़्यादा सूखा गोबर निकल रहा है, और देखिए चारों ही तरफ हरियाली हरियाली, कितना सुंदर नज़ारा है। ईख हमारे यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और ये है अमरूद का पेड़ और एक है आम का पेड़। और यहाँ पर जब हम कोई भी किसी भी चीज़ की बेल बोते हैं तो वो इन पेड़ पौधों पर भी चढ़ जाती है, बिटोड़ों के ऊपर से ही। बहुत ही सुंदर नज़ारा था गेहूं के खेत का। तो माँ ने पढ़वाने के बाद में फिर थेना शुरू कर दिया था, थोड़े से उपले इन्होंने बनवाए थे ताकि रेस्ट भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने भी थोड़े से उपले इन्हें पकड़ाए हैं, और यहाँ पर हवा जो है बहुत तेज़ लग रही थी, धूप भी अच्छी खासी निकल रही थी, तो ये थोड़ा सा ही रह गया है, तो इसे हम फटाफट से अभी कंप्लीट कर लेंगे और फिर चलेंगे घर। और घर जाकर बनानी है हमें मूंग की दाल, जो हमने भिगो कर रखी हुई है, और जो ये एक्स्ट्रा गोबर है उसके फिर हम उपले बना कर रख देंगे जो बचेगा इसमें। ये पूरा आज हमने कम्प्लीट कर दिया है, ये देखिए थोड़ा सा ही रह गया है इसका पार्ट, ये इधर से पूरा कंप्लीट हो चुका है।
और ये देखिए मिट्टी के चूल्हे का जो ईंधन होता है गुस्से उन्हें स्टोर करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और इसका नीचे का बेस जो है वो बनकर तैयार है। गुस्से की जो लाइन थी वो लग चुकी थी, उस पर गोबर की लेयर भी लग चुकी है और इसे सूखने में लगेंगे 15 से 20 दिन, तब जाके आगे का इस पर प्रोसेस चालू होगा, पूरा होगा ये और 3-4 पार्ट में बनकर पूरा होगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है 3 से 4 महीने लगेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा बिटोड़ा, तो तब भी हम आपको दिखाएंगे कि बिटोड़ा कंप्लीट होने के बाद इसमें क्या प्रोसेस बाकी रह जाता है। और देखिए वो जो पूरा ढेर था वो लग चुका है और ये जो एक्स्ट्रा गोबर है वो बच गया है, इसके हम अभी उपले बनाएंगे मैं और उमा, ये फिर यहाँ पर क्लीन हो जाएगा एकदम। तो देखिए आज हम बनाएंगे ये वाली दाल, ये मूंग की दाल है, ये मैंने भिगो कर रखी थी सुबह के टाइम, इसके ऊपर ना छिलक था तो इसे कोई खा नहीं रहा था, काफी टाइम से रखी हुई थी तो इसलिए, वैसे बिल्कुल साफ थी, बीच में से मैं धूप लगाती रहती थी तो मगर भिगो के बना लेंगे, अच्छी भीग गई है, भीग कर देखिए कितनी अच्छी हो गई है मोटी मोटी सी। तो आज बनाऊंगी मैं इसको ही मूंग की दाल को, अभी रखती हूँ इसे कुकर में, थोड़ा सा पानी डलेगा क्योंकि इसे भिगो कर जब रख देते हैं तो बनने के लिए तो थोड़ा ही पानी चाहिएगा, और तड़का लगाऊंगी बाद में अलग से। तो देखिए दाल हमारी बन चुकी है और यहाँ पर मैं लगा रही थी इसमें तड़का, और हम लोगों ने आकर वहाँ से नहा नोकर कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और फिर हमने बनाया था खाना। और देखिए प्याज और जीरा हमने डाल दिया है तेल गर्म होने के बाद में, और छोटे वाली कढ़ाई में ही आज मैं तड़का लगा रही हूँ, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, पहले ही डाल दिया आज। तो छौंक होने के बाद में फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर, छौंक हो चुका है हमारा तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर को अच्छे से मैं फ्राई करूंगी सबसे पहले और फिर उसमें डालूंगी सारे सूखे मसाले जो हम डेली यूज करते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें नमक, क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं, जब मैंने दाल को अच्छे से बनाया था कुकर में उबाला था तो तब भी मैंने हल्के से मसाले उसमें डाल दिए थे, तो इन सब को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी अब, और टमाटर को कर लूँगी अच्छे से फ्राई और थोड़ा सा इस पर चमचा सा लगा दूँगी। तो आज मैंने हरी धनिया की पत्ती भी पहले ही डाल दी है ताकि वो भी अच्छे से पक जाए, और अब डालूंगी मैं इसमें दाल, और फिर दाल थोड़ी सी डालूंगी, फिर सारा का सारा जो ये वो है उसमें डाल दूंगी मैं कुकर में बाद में। और देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी बनी है, तो दाल हमारी बनकर है तैयार, थोड़ी सी ज़्यादा आँच लग गई थी तो इसलिए घुली घुली सी हो गई है। तो चलिए आज का यही था रूटीन, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।